जमाने का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राजा बैठते थे सामने बाहर में जनता। तो पहले जमाने में गेट वगैरह कुछ नहीं होते थे, अभी म्यूजियम के लिए गेट और ये ग्लास वगैरह लगाए हुए, क्योंकि कोई भी आम आदमी कुर्सी पर जाके ना बैठे, तो आम आदमी और राजा में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो 50-60 व्यक्ति बाहर में, 50-60 व्यक्ति इधर में, किसी भी आदमी की कोई भी समस्या उसका समाधान यहाँ पर। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राजदरबार, राजा जीवित है तभी ढाल रखी हुई है, ठीक है। अब चलेंगे अपन राजा के बेडरूम में, 12 आदमी आ जाओ। चलो आगे चलो भैया, चलो फसो आगे। साइड में जो नाइट गाउन दिख रहा है राजा का, नाम था शालिवान सिंह, 7.5 फीट हाइट, 3.5 फुट चौड़ाई, 200-250 किलो वजन, 21 रानी। राजा जब भी बेड पर सोते थे पैर कैसा बेड से नीचे रखते थे, कोई भी दुश्मन राजा को रस्सी से बंदी बना दे तो राजा घुटनों के बल पर खड़े हो सके तभी बेड 5.5 फीट का बनाते थे। हाइट भी छोटी, इसके नीचे में कोई भी घुसकर पीठ में कील खंजर न डाले, दूसरा इसके नीचे कोई भी छिप न सके। ये पूरी चांदी की कुर्सी, लास्ट 1850 तक ये राजा का बेडरूम था, ये ब्रिटिश काल की टाइल है। अब चलना है अपन को छत पर जहाँ से पूरा ये आपने क्या किया, दूरी से पांव वाले खींच रहे हो, क्या बताया? राजा को कोई भी रस्सी से बंदी बना दे घुटनों के बल पर, तो राजा अपने घुटनों के बल पर बेड लेके खड़े हो सके, ये पहले ट्रेनिंग दी जाती थी। यस यस यस, कैसे खड़ा होना है तभी बेड छोटा हो, उनकी साइज का यदि बेड बना देंगे तो खड़े नहीं हो, खड़े नहीं हो पाए। 12 आदमी, ये शालिवान सिंह के थे और राजा की 7.5 फीट हाइट और उनका जो गाउन है, क्या बात है। ये जो राजा रहते हैं वे पीछे झाड़ियों के आगे बंगला देख रहे हो, ऊपर में छतरी बनी हुई, लाल पट्टी लगाए हुए, जवान निवास है जहाँ पर राजा रहते, बैक साइड में वहाँ पे है राजा का महल, और वे सामने पटवा हवेली है। कहाँ पे? वे सामने वाली पटवा हवेली है, नो अप नो डाउन, मिडल में जो येलो येलो वॉल दिख रही है ना, हाँ जी हाँ जी, वे पटवा हवेली है, वे रेलवे स्टेशन है, उधर में घड़ी सर तालाब, वे उधर में घड़ी सर तालाब है जी, और ये पूरा गोल्डन सिटी जैसलमेर। जो भी रिसेंट राजा है उनका महल वहाँ पे है, और सामने और एक हवेली है जिसे पटवा हवेली बोलते हैं, वो भी यहाँ पे है, और इधर से पूरा गोल्डन सिटी जो जैसलमेर बोलते हैं जिसको, और अभी एक फाइटर प्लेन की आवाज़ भी आ रही है मुझे। इधर भी एयर बेस कैंप है इंडियन एयरफोर्स का। किले के अंदर पब्लिक तो रह ही रही है पर साथ में काफ़ी अच्छी रेस्टोरेंट और होटल भी है, आपको स्टे करना हो तो इधर कर सकते हो, पर थोड़ा कॉस्टली है स्टे, कम से कम मतलब 15,000 के आसपास उसका पर नाइट रेंट होगा। पर किले में रहने या आपको ऐसा ही फील होगा कि आप जैसे कोई महल में रह रहे हो, और 12वीं शताब्दी से मतलब राजा ने यहाँ सब अलाउ कर दिया था पब्लिक को अपने महल के अंदर ही रहने को, तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब पहली बार सुना है ऐसा कोई राजा ने मतलब अपनी सारी प्रॉपर्टी आम जनता को दे दी है।